दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे सेल और परचेज की एंट्री हम स्पीड प्लस में कर सकते हैं। स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है। इसमें अकाउंटिंग, स्टॉक, इन्वेंट्री, बारकोड, लेजर, जीएसटी रिपोर्ट, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। चलिए तो जानते हैं पहले कि स्पीड प्लस ओपन कैसे करते हैं। स्पीड प्लस ओपन करने के लिए स्पीड प्लस के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यह ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें अपडेट्स पता चलते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर्स में क्या अपडेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम रीड कर सकते हैं कि क्या क्या नए फीचर्स आ चुके हैं। कंटिन्यू में क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमने कंपनी दिखती है कि कौन कौन सी कंपनी है हमारी। जैसे इस साल की हमारी किरण इंटरप्राइज 1/4/2017 की है, इसके ऊपर हमने डबल क्लिक किया तो यह सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। और इसमें हमने नेक्स्ट में क्लिक करना है। लॉगिन किया हमने, इसका पासवर्ड वन का पासवर्ड वन होता है। लॉगिन किया, ये खुल गया। सबसे पहले हम आते हैं आइटम के मेनू पे। तो आइटम में एक सिंपल हम आइटम का नाम बना लेते हैं। जैसे हमने एक नाम बना लिया, हमारे पास मान लीजिए स्पेयर पार्ट्स की शॉप है या किसी भी तरह की शॉप रही, तो हमने एक आइटम नेम बनाया, मान लीजिए कि बुक 1 2 1। हमने ये आइटम नेम बनाया, उसका 1 to 1 अगर आर्टिकल या पार्ट नंबर है या कि उस आइटम का अल्टरनेटिव नेम हो तो यहाँ डालना है। HSN कोड डाल दिया, यहाँ पे हमने उसका टैक्स परसेंटेज डाल दिया, इंटर 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 किया, और यहाँ पे पीस में है वो पीस में सेलेक्ट कर दिया। और हमने इसका सेल प्राइस डाल दिया, यह कितने रुपए में बिकना है। इसको मान लीजिए हमने रखा 90 रुपीज़ सेल प्राइस है, 90 रुपीज़ MRP भी है, और इसका बेसिक प्राइस या परचेज प्राइस हमारा है मान लीजिए 60 रुपीज़, हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद हमने इसको सेव कर दिया। अब सबसे पहले हम इसका स्टॉक चढ़ाते हैं। स्टॉक चढ़ाने के लिए या माल परचेज करने के लिए हम परचेज के मेनू पे जाएंगे। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+P, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने न्यू पे क्लिक किया, इंटर किया। इंटर करने के बाद कैश या क्रेडिट के लिए ऑप्शन आते हैं। हम इस पे अगर हमारा बिल उधारी पे आता है तो हम क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे, अगर कैश पे आता है तो हम कैश सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम क्रेडिट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम पार्टी का नाम बना लेते हैं जहाँ से हमें माल आता है। मान लीजिए हमने पार्टी का नाम बनाया यस मार्केटिंग। ये हमने नाम बना लिया और सारी इन्फॉर्मेशन जो जो पॉसिबल है हमने सारी इन्फॉर्मेशन उसकी भर दी। उसका जीएसटी नंबर भर दिया हमने, जो भी जीएसटी नंबर है, फॉर एग्जांपल हमने ये डाल दिया, और इसको सेव कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब हमने पार्टी का नाम सेलेक्ट करके इंटर करना है। इंटर करते ही लोकल B2B परचेज का ऑप्शन आता है। अब हम पहले इन ऑप्शंस का मतलब समझ लेते हैं। इंटर स्टेट B2B का मतलब होता है ऐसे सप्लायर जिनके पास GST नंबर है और वह अपने स्टेट के बाहर के हैं, तो हम वहाँ पे B2B सेलेक्ट करते हैं। अगर वह स्टेट के बाहर का है और उसके पास GST नंबर नहीं है तो हम इंटर स्टेट रिटेल परचेज सेलेक्ट करेंगे। अगर वह अपने ही स्टेट का है तो और उसके पास GST नंबर है तो हम लोकल B2B परचेज का सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मानते हैं कि ये हमारे स्टेट के हैं तो हमने लोकल B2B परचेज सेलेक्ट की। इंटर करेंगे, यहाँ पे बिल नंबर आता है, बिल नंबर डाल देंगे जो बिल हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल हमें 67 नंबर का बिल मिला, इंटर 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 किया हमने। यहाँ पे आइटम की लिस्ट खुल गई। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं आइटम को सेलेक्ट करने के। हम 1 to 1 डालें तो भी आइटम सेलेक्ट हो जाता है। अगर हम बुक लिख के और फिर 1 to 1 लिखें तो भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। आइटम लिखते ही हमने डाउन एरो की से आइटम सेलेक्ट कर लिया, इंटर किया। इंटर करते ही हमें सारे रेट वगैरह डिस्प्ले कर देते हैं कि यह आइटम लास्ट टाइम किस इस पार्टी से क्या रेट पे आया है और दूसरी पार्टी से क्या रेट पे आया है, इसका MRP कितना है। यहाँ पे हमें स्टॉक भी शो कर देता है। हमने क्वांटिटी यहाँ पे डाली कि हमारे पास अभी कितना पीस आया है, जो कि आपको बिल में लिखा रहता है। कि आपको मान लीजिए बिल में लिखा है कि 7 पीस हमारे पास आए हैं, परचेज किए हैं,
इंटर किया हमने, यहाँ पे परचेस प्राइस जो हमें परचेस प्राइस आया होगा, मान लीजिए आपको 45 रुपीज़ आया, तो 45 आपने डाल दिया, इंटर किया, इंटर किया, आपने अगर डिस्काउंट आया है जैसे 2% आता है तो इसमें डाल दीजिए, और अगर अमाउंट में मिलता है तो सीधे अमाउंट में डाल दीजिए, इंटर इंटर और इंटर कर दीजिए। ये इंटर करने के बाद जब नीचे आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि एक आइटम ओके हो गया है। अब मान लीजिए इसी आइटम का दूसरा रेट आया या कि दूसरा परचेज हुआ, तो हम यहाँ इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटर करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी डाला 6 हमने, और जो दूसरे रेट में अगर 60 रुपये के रेट से दूसरा माल आया है हमारे पास दूसरी क्वालिटी का, तो हम उसकी एंट्री कर देंगे। और इस तरह से जब सारी परचेज की एंट्री हो जाती है तब हमने इसको सेव में क्लिक कर देना है। अगर बिल में उसके अलावा परचेज के माल परचेज के अलावा कुछ भाड़ा या चार्जेस वगैरह जुड़े होते हैं तो चार्जेस के मेनू पे जाके हम यहाँ पे फ्रेड या फॉरवर्डिंग चार्ज जोड़ सकते हैं। ये फ्रेड या फॉरवर्डिंग चार्ज, यहाँ पे हमने फ्रेड जोड़ लेना है, डिस्काउंट जोड़ लेना है, मान लीजिए डिस्काउंट आता है तो डिस्काउंट हमने सेलेक्ट किया, इंटर किया, इंटर, और यहाँ पे 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ जो भी आपको डिस्काउंट में लिखा है उसमें लिखा है तो उसको डाल देंगे। यहाँ पे आप और इन्फॉर्मेशन हम भर सकते हैं, जैसे व्हीकल नंबर क्या है, फ्रेट क्या है, नरेशन क्या है, बिल्टी नंबर क्या है, तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। ओके, इस तरह से हमारा परचेज की एंट्री सेव हो जाती है। मान लीजिए कि आपको वह परचेज की एंट्री दोबारा देखनी हो कि आपने जो एंट्री चढ़ाई थी वह कहाँ पे है, तो वापस से आप परचेज के मेनू में क्लिक करिए, उसके बाद आपने देखा कि ये आपने आज जो एंट्री की है वो आपको दिख रही है, अगर माउस से इसी के ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं तो यह एंट्री दोबारा से ओपन हो जाती है, और इसमें हमें जो सुधार करने हैं, चेंजेस करने हैं, चेंज कर लीजिए और वापस अपडेट के मेनू में क्लिक करिए तो यह एंट्री वापस से अपडेट हो जाएगी, यानी कि इसमें जो सुधार किए हैं आपने उसमें ऐड हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेल्स एंट्री की। सेम इसी तरह की प्रोसीजर सेल बिल में भी होती है। सेल के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एस, कंट्रोल एस अगर दबाते हैं तो सेल डायरेक्ट ओपन हो जाता है। सेल आपने क्लिक किया, यह ओपन हो गया, इसके बाद आपने इंटर किया तो न्यू हो गया, नया बिल बनाने के लिए ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हम डेट आती है, डेट हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अगर हमें बैक डेट की एंट्री करना है तो हम पुराने डेट चेंज कर सकते हैं, इंटर करेंगे। अगर यह बिल कैश का है तो कैश सेलेक्ट करेंगे, अगर बिल उधारी में माल जा रहा है तो क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे। क्रेडिट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें अकाउंट बनाने के लिए ऑप्शन आता है, यानी कि पार्टी का नाम। पार्टी का नाम बनाने के लिए दो तरीके हैं, एक तो हम या कि प्लस के निशान में क्लिक कर दें, या कि F3 लिखा है तो कीबोर्ड से हम F3 भी प्रेस कर सकते हैं। फिलहाल हम प्लस के निशान में क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म आ गया है, इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सिंपल और आसान है, सिर्फ आपको पार्टी का नाम लिखना है जो बहुत मैंडेटरी होता है, क्योंकि बिल तो किसी पार्टी के नाम से ही बन सकता है, तो पार्टी का नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए तरुण मार्केटिंग, यह हमने लिख दिया, और इसके बाद उसकी और इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है तो भर दीजिए, और नहीं भरनी तो बाद में भी आप उसको एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर से हम उसका पार्टी का GST नंबर डाल देते हैं, और इसको हमने यहाँ पे स्टेट कोड भी डाल दिया, जो भी स्टेट कोड हुआ, और इसको सेव कर दिया। ओके, अब हमने इंटर किया, इंटर करते ही यहाँ भी इस तरह से ऑप्शन आते हैं, जैसे कि लोकल B2B पर सेल होगी, यानी कि अपने स्टेट के अंदर का सेल है ये, और उसके पास GST नंबर है। B2B का मतलब होता है बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। लोकल रिटेल सेल का या लोकल इंटर स्टेट रिटेल सेल का मतलब होता है कि डायरेक्ट कस्टमर सेल, ऐसा। तो लोकल B2B हम सेलेक्ट करते हैं, इंटर किया हमने, इंटर 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 करते हैं, यहाँ पे हमें आइटम का नाम आ जाता है, इंटर करते हैं। इंटर करते ही हमें यहाँ पे लिस्ट आ जाती है कि आपके पास कितना टोटल स्टॉक है, तो आपके पास 13 स्टॉक दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे टैक्स, जनरल कैटेगरी, MRP, बेसिक प्राइस, सारी इन्फॉर्मेशन शो कर रही है। यहाँ पे जितना आपको सेल करना है आपने क्वांटिटी लिखी, फॉर एग्जांपल आपने 5 लिखी, इंटर प्रेस किया, इंटर किया, आपने रेट चेंज करना है इसको 90 की जगह मान लीजिए 87 करना है तो कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने सेल रेट डाले हैं वो खुद ब खुद आते हैं। और यहाँ पे अगर हमें डिस्काउंट सेलेक्ट करना है या डिस्काउंट की एंट्री करना है तो डिस्काउंट भी हम डाल सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में यह ऑप्शन होता है कि आप पार्टी वाइज रेट या कंपनी वाइज रेट कैसे सेट करें,
उसके लिए अलग से ट्यूटोरियल है, हमारा ट्यूटोरियल वीडियो है, उसमें आप देख के उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे खाली हमें ये सेलेक्ट करना है कि आइटम हमने एक ओके कर दिया, अब हमें दूसरा आइटम एंट्री करना है तो हम दूसरा आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे दूसरा पीस हमें फिर से यही आइटम है, अगर हमें दूसरे रेट पे देना है तो हमने यहीं पे फिर क्वांटिटी डाल दी, फिर अगर रेट डालना है हमें 70 तो फिर हमने 70 रेट डाल दिया। और अगर दूसरा आइटम हो तो दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। और हम बिल बनाते समय भी अगर हमारे पास तुरंत पे कुछ आइटम आ रहा है और उसकी परचेज नहीं भी चढ़ी और हम चाहते हैं कि हम बिल में इसको जोड़ के दे दें और बाद में हम परचेज चढ़ा लेंगे, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। आप F3 करके यहीं पे नया आइटम का नाम बना लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने पेन बनाई और इंटर किया, इंटर इंटर, और इस पे जो टैक्स परसेंटेज है जैसे 12% है तो 12 डाल दिया, इंटर, और ये पीस में बिकता है तो पीस सेलेक्ट कर दिया और इसको सेव कर दिया। यहाँ पे सेव करते हैं, अब ये पेन आपका आ गया है तो यहाँ पे आप क्वांटिटी डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको ये 6 पीस, ये 60 पीस आपको डालनी है, इंटर कर दिया। अब ये 20 रुपीज़ वाली पेन है तो हमने 20 रुपीज़ रख दिया, इंटर किया, इसमें 2% डिस्काउंट भी देना है तो डिस्काउंट दे दीजिए, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे और इंटर। अब इस तरह से सारे आइटम हमारे फीड हो जाते हैं। मान लीजिए किसी आइटम को आपको कम या ज़्यादा करना है तो उसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए इसका रेट 3 रुपये 70 रुपये है तो 70 की जगह आपको करना है इसका 66 रुपये करना है, 66 करना है तो 66 कर दिया आपने, इंटर 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 किया, इंटर, ये इस तरह से इसमें चेंज हो जाते हैं। अब हमने बिल को, जब हमारा बिल कंप्लीट हो जाता है, सारे आइटम आपने फीड कर लिए, तो सिंपल इसमें सेव में क्लिक करना है। इसका शॉर्टकट होता है Alt+S, यानी कीबोर्ड से Alt बटन के साथ अगर S दबाएंगे आप तो बिल में डायरेक्ट सेव हो जाएगा। और सेव होते ही आपको प्रिंट के लिए पूछता है, यस करते हैं आप, यस करते ही आपके लिए प्रिंटिंग के लिए ऑप्शन आ जाता है। अब इसमें प्रिंट में डायरेक्ट प्रिंट में क्लिक कर दीजिए, और आपको अगर बिल सेलेक्ट करना है, मल्टीपल फॉर्मेट सेलेक्ट करना है तो उसमें से मल्टीपल फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। जिस तरह का आपको बिल चाहिए, जैसे GST इनवॉइस चाहिए आप तो GST इनवॉइस सेलेक्ट कर सकते हो, और ये डिफॉल्ट फॉर्मेट भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो बिल का प्रीव्यू आ जाएगा, ईमेल में क्लिक करेंगे तो पार्टी को मेल जा सकता है, एक्सेल में क्लिक करेंगे तो एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और ई बिल का ऑप्शन होता है। जैसे अगर आपकी कोई ब्रांचेज है, आप चाहते हो कि यहाँ से बिल बने और वो डायरेक्टली आपका कस्टमर उसको इम्पोर्ट कर ले, तो उस तरह का भी इसमें फैसिलिटी है। यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक करते हैं तो आपको बिल का प्रीव्यू आ जाएगा, और इसमें हम अपने हिसाब से अगर हमें कुछ चेंजेस करना है या कराने हैं तो हम टेक्निकल सपोर्ट लेके हम चेंजेस करा सकते हैं। और कुछ अगर हमें लगता है कि ये हमें और बड़ा होना है या कुछ कुछ छोटा करना है, बोल्ड करना है, तो इसमें कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और इसका मल्टीपल प्रिंट भी निकाल सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी, ट्रिप्लीकेट कॉपी में भी टिक लगा दिया तो ये भी प्रिंट निकाल सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, प्रिंट में टिक करें तो प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सेल परचेज की सारी एंट्रियाँ होती हैं। अगर आपको सेल का पूरा बिल देखना है कि कितने भी आपने दिन भर में बिल काटे, तो सेल में क्लिक करिए, डेट यहाँ पे सेलेक्ट करिए, डेट सेलेक्ट करने के बाद ओके करिए, तो आपको पूरे दिन भर के जितने भी बिल होंगे वो आपको दिख जाएंगे। महीने भर के भी बिल इसी तरीके से आप देख सकते हो, डेट रेंज डाल के एक मंथ की। यहाँ पे आपको कैश बिल और क्रेडिट बिल के दिखाता है कि कितना अमाउंट आपने कैश बेचा, कितना क्रेडिट बेचा। इसमें सिर्फ ड्यू बिल देखना हो या अनड्यू बिल देखना हो तो यहाँ पे वो ऑप्शन आते हैं। इसी तरह यहाँ पे पेंडिंग और क्लियर बिल्स भी आते हैं। अगर हमें कोई पार्टी का नाम सर्च करना हो तो पार्टी का नाम यहाँ पे हम डालते हैं और पार्टी का नाम से सर्च कर सकते हैं। जैसे तरुण मार्केटिंग तो टी डाला हमने और ओके करेंगे तो तरुण मार्केटिंग के भी सिर्फ जितने बिल होंगे वो आएंगे। अगर हमने लिखा राजेश मार्केटिंग या राजेश फार्मा तो ओके किया, सिर्फ राजेश मार्केटिंग के बिल आएंगे। तो इस तरीके से इसको भी हम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को और कुछ जानकारी इसमें चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या कि हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हमारे टेक्निकल सपोर्ट नंबर ये हैं, आप 8887170203 इस पर कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद।